नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब। यूट्यूब चैनल टेकी ट्विक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब से मैंने अनबॉक्सिंग किया है इस Redmi Note 5 Pro की, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आपके पास जो 4GB Redmi Note 5 Pro है उसकी रैम मैनेजमेंट कैसी, आप एक मल्टीटास्किंग टेस्ट करके दिखाएं, उसकी बेंचमार्किंग दिखाएं और टेस्ट करेंगे कि क्या इसमें USB OTG की सपोर्ट है। तो वो सभी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए हम ये वाली सारी ऐप्स को यूज़ करेंगे, सिर्फ एसफाल्ट एक्सट्रीम को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये सारी ऐप्स ही मेमोरी में रहती है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसकी रैम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। दोस्तों, जब मैं ऐप्स को ओपन करूँगा, मैं ये सारा प्रोसेस जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आपके लिए ये वीडियो बोरिंग ना हो। तो दोस्तों, अब मैंने ये सारी ऐप्स को ओपन कर लिया है। अगर हम फेसबुक को चेक करें तो ये रीलोड हो रहा है, तो यहाँ से ये ऐप थोड़ा सा हैवी है। तो देखते हैं इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम भी रीलोड हुआ आपके सामने ही। तो ट्विटर को देखते हैं, ये नॉर्मली ऐप ओपनिंग टाइम इसके काफ़ी फास्ट हैं। ट्विटर ठीक था, यूट्यूब मेमोरी में है, फ्लिपकार्ट एक्चुअली पार्शली मेमोरी में मैं बोलूँगा, अमेज़ोन नहीं रीलोड हुआ। ये ऐप ओपनिंग टाइम इसके थोड़े से ज़्यादा स्लो नहीं है, बल्कि ये रीलोड होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो सबवे सर्फर्स है वो भी रीलोड हो रही है। टेम्परन 2 देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, सिर्फ ओके सी रैम मैनेजमेंट है इसकी। 4GB रैम होने के बावजूद भी इसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 2-3 ऐप्स को इसने रीलोड कर दिया है। क्रोम को चेक करते तो ये वाली चीज़ जो है मेमोरी में है, तो एक तो चीज़ अच्छी है, इसने गैलरी को भी रीलोड कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर एसफाल्ट एक्सट्रीम ओपन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी रैम मैनेजमेंट काफ़ी एवरेज है। अभी हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे बेंचमार्किंग का। तो बेंचमार्किंग के लिए सबसे पहले सबका फेवरेट एंटूटू को चलाते हैं। तो अभी मैं यहां से कट कर दूंगा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंटूटू टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 112,000 इसका रिजल्ट आया, जो कि बहुत अच्छा है। सीपीयू के जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं, जीपीयू के जो स्कोर है वो भी आप देख सकते हैं। मैं सारा आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर आपने कुछ ध्यान से देखना है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो एंटूटू में तो परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी रही है मेरे ओपिनियन से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलाएंगे गीक बेंच और मिलते हैं आपसे गीक बेंच के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि गीक बेंच में इसे सिंगल कोर के लिए 1334 स्कोर मिला, जो कि मेरे तरफ से एक बिग थम्स अप है। तो परफॉर्मेंस इस डिवाइस की बहुत अच्छी होने वाली है। मल्टी कोर स्कोर आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसके हमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बताओ और बताओ कि इसमें कौन कौन से सेंसर है। जब आप CPU Z ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा स्नैपड्रैगन का 835। यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एक नया प्रोसेसर है, पर है एक्चुअली ये स्नैपड्रैगन का 636। तो जब इसकी ऐप की नई अपडेट आ जाएगी उसमें ये फिक्स हो जाएगा। और जो इसका GPU है वो एड्रीनो 512 नहीं है, वो है एड्रीनो 509। तो ये है जी इसका GPU, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 64GB वाला ये मॉडल है। बैटरी आपको पता है। सेंसर्स में आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से सेंसर्स हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो Xiaomi ने कोई भी सेंसर्स में स्किम्प नहीं किया गया है, सारे ही सेंसर हमें प्रोवाइड करेंगे, जो कि मेरे ओपिनियन से बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट काफ़ी लंबी है सेंसर्स की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हमने मल्टीटास्किंग कर ली, बेंचमार्किंग कर ली, और एक और छोटा सा टेस्ट हम इस डिवाइस पर करेंगे, वो है इसकी USB OTG, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने USB OTG को प्लग किया है, यहाँ पर सैंडिस्क की USB ड्राइव आ चुकी है, यहाँ पर वो सारे ही फोल्डर आ चुके हैं जो मैंने इसमें रखे हुए हैं, और ये आराम से चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें USB OTG का भी सपोर्ट है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपने इस डिवाइस को परचेज़ करना है तो दोस्तों हमारा लिंक यूज़ कर लेना, शायद हमारे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाए। कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप इस डिवाइस के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही में आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।